धार्मिक नगरी उज्जैन में शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी से अपील करते हुए प्रत्याशी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। सुबह 6 बजे उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए, उसके बाद में वह अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहां पर पहुंचे और पहली बार देखा कि किसी प्रत्याशी ने लाइन में लग कर अपने मत का प्रयोग किया है। भैया बताएं किस तरह की सरकार आप इस बार बनाने की तैयारी में है? इस प्रकार से आम जनता लाइन में है, वैसे जनप्रतिनिधि भी लाइन में रहेंगे। ये ब्यागिरी की जो नेतागिरी है, घमंड दबंगई की जो नेतागिरी है, उसका बहिष्कार जनता ने आज कर दिया है। परिवर्तन की बयार पूर्ण रूप से वातावरण में फैल चुकी है और इस अशुद्ध वातावरण को शुद्ध करने का जनता ने ठान लिया है और पौंडरीक मोहन जी को बाहर भेजने का रास्ता आज जनता ने तय कर लिया है। आज सुबह 7 बजे से वोटिंग चालू हो गई है और इस वक्त 10:30 बज रहे हैं। बड़ी मात्रा में लोग बड़े उत्साह के साथ वोटिंग कर रहे हैं, क्या मानते हैं क्या नतीजा हो सकता है? नतीजा निश्चित शुभ होगा, कांग्रेस के पक्ष में होगा और जनता अपना सेवादार चुन चुकी है और मुझको बराबर से उन्होंने आशीर्वाद दे रहे हैं और निश्चित रूप से दोपहर तक और शाम तक तो आप देखेंगे कि पूरे शहर में वातावरण आपको जो है कांग्रेसमय और नए सेवादार के पक्ष। आज सुबह से ही मतदान का जो दिन था वो शुरू हो चुका 7 बजे से, क्या पूरा माहौल में आप क्या देख रहे हैं? पूरे शहर का जो माहौल है, परिवर्तन के लिए तैयार है या फिर भाजपा की सरकार बनाने को तैयार है? पहली बार मैं उज्जैन शहर में सालों से राजनीति में सक्रिय हूँ और चुनाव देखता आया हूँ। पहली बार इतना उत्साह, इतना उमंग और इतना जोश देख रहा हूँ। परिवर्तन के लिए ललाई थे जनता और आप देखिए ऐसी लाइनें सुबह सुबह नहीं लगा करती थी, अभी लाइन लगी हुई चारों। सभी लोग बात करेंगे तो वो परिवर्तन का ही आपको बताएंगे। तो यहाँ पर उज्जैन कांग्रेस के प्रत्याशी चेतन यादव थे, उनका कहना है कि सभी लोग परिवर्तन की राह पर है, परिवर्तन चाहते हैं और यहाँ सुबह से ही ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग बड़े उत्साहित होकर वोट डालने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हैं। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी यहाँ लंबी कतारों में वोट डालने के लिए पहुंची है। अब देखना होगा कि इस बार भाजपा की सरकार बनती है या परिवर्तन की लहर। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बेंडवाल।